आपका स्वागत है हमारे चैनल चापरेस किचन एंड क्राफ्ट पे। आज हम बनाना सीखेंगे डिश पकवान। चलिए बनाना सीखते हैं। For chocolate cake, add 3 tablespoons maida. Add 2 tablespoons sugar powder. Now add 1/4 teaspoon baking powder and add 1 tablespoon cocoa powder. And 1/2 tablespoon of cocoa powder. Now we will mix it all. अब इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको हम स्टिर कर लेंगे। ये हमारा बैटर ऐसे बन गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और देखिए हमारा 1 कप में से मिल्क थोड़ा बच गया है। अभी हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे जो आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं घर में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, हमारा चॉकलेट केक का मिक्सचर तैयार है। अब दूसरे कप में हम 3 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। टेबलस्पून शुगर डालेंगे एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और रिमेनिंग अगर बच जाए तो छोड़ दे, और 1 टीस्पून ऑयल डाल दे 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा वैनिला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस है वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा बटर स्कॉच मक्के का बैटर तैयार है।
आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे, उसके लिए 3 टेबलस्पून मैदा ले लेंगे। टेबलस्पून शुगर पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें रिमेनिंग मिल्क को ऐड कर देंगे। और स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी केक का बैटर तैयार है। हमारे तीनों केक के बैटर्स तैयार है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा उसे प्रीहीट कर ले। आप नमक डाल के भी प्रीहीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कप रख दे ये तीनों, ऊपर से कढ़ाई ढक दे। लो फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी और मजेदार क्राफ्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस